उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद अब हरक पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है कि वह कितने बड़े नेता है। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है, और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि हरक सिंह रावत में नहीं है, इसलिए अब जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली। सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। इतना ही नहीं, दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेरे गढ़वाल बताते हैं, जबकि वो सीआर हैं। देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे, और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला, उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो सीआर हैं। आपको बता दें कि लैंसडाउन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह रावत ने जीत दर्ज की है। यह दिलीप सिंह रावत की लगातार तीसरी जीत रही है। उन्होंने बीजेपी के बागी विधायक हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई को 9,868 वोटों के अंतर से हराया है। अनुकृति गुसाई की हार को हरक सिंह रावत की हार के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।